नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ मोटो E7 पावर में या फिर E+ में आप यहाँ पे नोटिफिकेशन रिंगटोन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन रिंगटोन लगाने के लिए आपको चले जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको साउंड का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड का ऑप्शन देखने को मिलता है, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे जाने के बाद आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी ये मोटो वाला रिंगटोन अभी सेट हो रखा है इस पर। तो अगर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन साइलेंट करना है तो नन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका सिर्फ नोटिफिकेशन साइलेंट हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता ना कि आप यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन दबाते हैं तो वहाँ पे आपका सारी चीज़ साइलेंट हो जाती है, आपका रिंगटोन, नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे आप अलग से नोटिफिकेशन साउंड को साइलेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइलेंट करना तो ऐसे कर दीजिएगा, अदरवाइज ऐसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ऐड नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि जो भी आपने डाउनलोड वगैरह कर रखा है सॉन्ग वगैरह वो यहाँ से आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये फाइल ओपन हो जाएगी और ये डाउनलोड्स वाले फोल्डर में या 3 डॉट पर जाके डाउनलोड वाला फोल्डर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप इस टाइप से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा आपका गाना इस लाइन में। तो यहाँ पे आप पढ़ के देख लेंगे और इसको ऐसे करके बजा लेंगे, ठीक है। और अगर और कोई पसंद आ रहा है तो वो उसमें उसे भी लगा सकते हैं और ओके कर देंगे इसको। तो नोटिफिकेशन साउंड में आपका ये सेलेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। तो इस टाइप से आप यहाँ पे सेटिंग कर लीजिएगा। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।